रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का टू स्टोरी अबाउट फ्लाई में से पार्ट 1 इस फर्स्ट फ्लाई का फुल समरी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक सीगल की है। सीगल मतलब समुद्री पक्षी। एक यंग सीगल समुद्र के किनारे एक लेज पे अकेले रहता है। उसके दो भाई और बहन भी हैं, लेकिन वो पहले ही उड़ चुके होते हैं। जब वो चाहता है कि वो उड़े, वैसा नहीं कर पाता है। उसके पीछे कारण ये था कि उसे उड़ने से बहुत ज्यादा डर लगता था, इसलिए वो हमेशा साहस जुटाने में फेल हो जाता था और उड़ नहीं पाता था, और इसके लिए वो बहुत ज्यादा दुखित था। उसके माँ और बाप दोनों उसके पास आए और उसको उड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किए, लेकिन उसका रवैया वैसा ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सीगल के माँ बाप ने उसे डराया भी कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम भूख के मारे मर जाओगे और तुम्हें हम खाना भी नहीं ला के देंगे। इतना सब सुनने के बावजूद भी वो यंग सीगल वहीं पे रहता है, कोई मूवमेंट नहीं दिखाता है। जो यंग सीगल है वो उड़ नहीं सकता। अभी जो बात बताई जा रही है ये 24 घंटे पहले की बात बता रही है, क्योंकि 24 घंटा पहले उसे सब कोई छोड़ के उड़ गया था और 24 घंटा के बाद भी उसके पास ना उसके भाई बहन, ना ही माँ और बाप, कोई भी नहीं आया उससे मिलने के लिए। जो यंग सीगल है बस वो अपने माँ बाप भाई बहन को सबको उड़ता हुआ देख सकता था, क्योंकि जो यंग सीगल है उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों मिलके सीगल के भाई और बहन को उड़ने में पारंगत कर रहे थे कि उड़ते उड़ते आखिर में कैसे पानी में डाइव मारा जा सकता है, किस तरीके से मछलियों का शिकार किया जा सकता है। उस समय भी उन लोगों ने उसे उड़ने के लिए बुलाया, लेकिन उसके अंदर साहस था ही नहीं और वो नहीं गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मदर रीचेज नियर हिम विथ फूड। माँ तो माँ ही होती है, खाना लेके पहुंचती है, लेकिन क्या वो खाना उसे देती है या नहीं देती है कहानी में हम लोग आगे देखेंगे। जो यंग सीगल था वो अपना आंख बंद कर लिया था और एक पैर पे खड़ा था, दूसरा पैर उसने अपने पंखों के नीचे छिपा रखा था और वो दिखावा कर रहा था कि वो सो रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको देखे तक नहीं। लेकिन उसकी माँ जो थी उसने उसको देखा। जो यंग सीगल था वो देखा कि उसकी माँ अपने पंजों में एक फिश का टुकड़ा लेके उड़ रही है और ये चिल्लाता है कि माँ वो हमें दे दो। कुछ साउंड के माध्यम से माँ ने रिप्लाई किया और उसकी तरफ देखा। जो माँ के पंजे में मछली का एक टुकड़ा था उसे लेकर उसके पास गई और वो देख के वो झुका जा रहा था जिस रॉक पे वो था, जो रॉक का लास्ट एज था, वहां तक वो झुकता चला गया और उसकी माँ भी थोड़ी करीब जाती गई। और जो मंजर था अपने खाने को देख के सीगल के अंदर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा भूखा है, लेकिन से वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डाइव्स फॉर फूड। कैसे वो उस खाने के लिए लपकता है। कुछ समय के लिए वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था। वो ये सोच में पड़ गया था कि आखिर में उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भूखा था और भूख के मारे पागल हो रहा था। इसकी वजह से उसने क्या किया कि जब उसकी माँ थोड़ी सी करीब आई तो वहां से उसने उस मछली को छोड़ दिया और फाइनली मछली पे अटैक किया और फाइनली उस रॉक के एज से नीचे गिर जाता है और उसके बाद चिल्लाने लगता है। नीचे गिरता जाता है। जैसे ही वो नीचे जाने लगता है माँ उसकी उसके ऊपर आ जाती है और उसके बाद ये धीरे धीरे अपना पंख फैलाना शुरू करता है और पंख फैला के फड़फड़ाना शुरू करता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट कम्स हियर वेयर द फ्लाइट बिगिंस। जब वो नीचे गिर रहा था तो उसके अंदर डर बैठ गया था, उसका हृदय एकदम स्थिर हो गया था, उसे कुछ सुनाई तक नहीं दे रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसने अपना पंख फैलाया, जो हवा था उसके जो ब्रेस्ट फेदर्स थे उसके अगेंस्ट आके टकराया और उसने प्रेशर क्रिएट किया और उसके बाद उड़ने लगा। उसने न्यूटन का थर्ड लॉ लागू किया, पंख जितना फड़फड़ाया उतना अपने आप को वो कंट्रोल कर पाया। अब धीरे धीरे ये ऊपर और नीचे उड़ना शुरू कर दिया। अब इसके बाद उसके मन के अंदर जो डर था वो खत्म हो गया और अब वो फाइनली अपने आप उड़ सकता था। जो चीज वो कर नहीं पाता था वो चीज वो कर लिया, इसलिए उसके अंदर उस उड़ान को लेके बहुत ज्यादा खुशी हुई। सीगल उड़ने के बाद एक बहुत बेहतरीन स्क्रीम दिया। वो यंग सीगल क्या देखता है कि उसके भाई और बहन उसके इर्द गिर्द में उड़ रहे हैं, वो लोग भी चिल्ला रहे हैं और डाइव कर रहे हैं। और इस सिनेरियो के बाद वो कम्प्लीटली ये भूल जाता है कि उसके मन के अंदर ऐसा कुछ था कि वो कभी उड़ नहीं पाएगा। क्या हुआ कि सीगल अब अपने आप को कमांड करना शुरू कर दिया, वो डाइव करना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया। अब वो समुद्र के पास था और ठीक समुद्र के जल के ऊपर ग्रीन सरफेस था जिसपे उसके भाई और बहन लैंड किए और उससे भी लैंड करने की बात कह रहे थे कि तुम भी ऐसा करो। जो सीगल रहता है वो अपना पैर नीचे करके ग्रीन सी यहाँ पे बताया गया उसी ग्रीन सरफेस को जो समुद्र के ऊपर पाया जाता है, जैसे जो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह होते हैं उसकी बात की जा रही है। तो वो वहां पे लैंड तो करता है लेकिन उसका पैर जो होता है डूबने लगता है, वो डर के मारे चिल्लाता है। अब वो ऊपर उठने के लिए फिर से अपने विंग को फ्लैप करता है लेकिन उस समय राइज नहीं कर पाता है खुद को। उसका जो पैर रहता है वो डूबने लगता है उस ग्रीन सी में और उसका जो बेली रहता है वो पानी को टच कर देता है, फिर भी वो पानी में डूबता नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ उसकी फैमिली थी जो चिल्ला रही थी और उसको प्रेज कर रही थी कि तुमने कर दिखाया। और फाइनली जो यंग सीगल था वो अपना फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट किया और अपने डर को हराया।
और यहाँ पे आपका ये कहानी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज़।